हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है और हम इस चैनल पर बीएमएस सिलेबस से रिलेटेड सभी सिलेबस नोट्स के ऊपर लेक्चर करते हैं और रिटन नोट्स देखते हैं। तो अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके पहले के वीडियो में हमने अध्याय 15 देखा है चरक सूत्र स्थान का, तो इसमें हम आज के वीडियो में हम अध्याय 16 कवर करेंगे जो है चिकित्सा प्रापृति अध्याय। तो इसके रेफरेंसेस आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 16 में ही मिलेंगे और ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चरक सिद्धि स्थान भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो चिकित्सा प्रापृति का महत्व क्या है वो इस चैप्टर में बताया है। तो चिकित्सा प्रापृत किसे कहते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो चिकित्सा प्रापृत एक ऐसा फिजिशियन होता है जो कि फुल्ली इक्विप्ड है, यानी चिकित्सा करने की सारी सामग्रियों को जो एक साथ बटोर के एकत्रित करके फिर चिकित्सा करना प्रारंभ करता है, तो ऐसे वैद्य को हम चिकित्सा प्रावृत्त कहते हैं। ये अध्याय जो है चिकित्सा प्रावृत्ति है, ये कल्पना चतुष्क का आखिरी अध्याय है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम में चतुष्क के ऊपर हर एग्ज़ाम में एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। तो ये कल्पना चतुष्क का आखिरी अध्याय है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए चिकित्सा प्रावृत्त चिकित्सक के क्या लाभ है, उसकी क्या महत्ता है, उसके ऊपर एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। श्लोक है, चिकित्सा प्रावृतो धीमान शास्त्रवान कर्म तत्परः नरम विरेचयति यंस योगात् सुखम अश्नुते। तो धीमान शास्त्रवान, ये इसका संधि विग्रह होता है धीमान शास्त्रवान, तो इसका क्या मतलब है ये अगले स्लाइड पर हम देखते हैं। तो श्लोक का मतलब है चिकित्सा प्रावृत्ति यानी कि सभी उपकरणों से युक्त सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेने के बाद ऐसा वैद्य जो कि बुद्धिमान है, शास्त्र ज्ञान में कुशल है, धीमान शास्त्रवान, धीमान यानी बुद्धिमान, शास्त्रवान यानी जो शास्त्र ज्ञान में कुशल है, कार्य तत्पर वैद्य, ऐसा वैद्य जिस मनुष्य को भी विरेचन कराता है वह विरेचन सम्यक योग युक्त होता है, इसलिए मनुष्य को सुख मिलता है, यानी उसके सारे फायदे गुण मनुष्य को मिलते हैं। तो यहाँ पर विरेचयति यानी विरेचन से केवल विरेचन ही अभिष्ट नहीं है, यहाँ पर हमें वमन भी इसमें समाविष्ट होता है। इसके पहले के यानी कि उपकल्पनीय अध्याय में दोनों का वर्णन आ चुका है। और रिचिर विरेचन, इस धातु से रेचन प्रत्याग भाव यानी दोषों को अपने स्थान से अलग करना इसका मतलब है। तो सिर्फ विरेचन में दोष अपने स्थान से अलग नहीं होते, वमन में भी होते हैं, तो इसलिए इसमें वमन विरेचन दोनों का समावेश हो जाता है। और इसलिए हम शिरो विरेचन को हम नस्य कहते हैं और ऊर्ध्व विरेचन को हम वमन कहते हैं, वरना है वो भी विरेचन ही पर उनके नाम अलग कर दिए गए हैं। तो विरेचन में यहाँ पर वमन और विरेचन दोनों का समावेश आपको समझना है। अब इसके बाद इन्होंने वैद्य मानी यानी मूर्ख वैद्य से क्या हानि हमें होती है, मूर्ख वैद्य से क्यों चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, वो यहाँ पर दिया है। तो श्लोक देखिए क्या है यहाँ पर, ये छोटे छोटे श्लोक है, एक एक लाइन के अगर आप लर्न कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे आ सके। तो देखिए श्लोक है, यंग वैद्य मानी त्वबुधो विरेचयति मानवम सो अति योगाद योगाच मानवो दुःखम अश्नुते। तो यहाँ पर सो अति योगाद योगाद का संधि विग्रह होता है सो अति योगाद अयोगाच, तो अतियोग या अयोग दोनों भी इसमें होने की संभावना होती है जब हम किसी वैद्यमानी या मूर्ख वैद्य से हम चिकित्सा कराते हैं। तो जो मूर्ख मनुष्य वैद्य ना होते हुए भी अपने को वैद्य समझता है, ऐसा मनुष्य जिसे किसी को भी विरेचन या वमन कराता है तो वो रोगी या तो अतियोग या तो अयोग हो जाने से दुख को प्राप्त करता है। तो मूर्ख द्वारा प्रयुक्त वमन या विरेचन जो कुछ भी प्रयोग किया जाता है वो प्रायः अतियोग ही हो जाता है, और अयोग में ही इन्होंने मिथ्या योग का भी समावेश कर दिया है। तो मिथ्या योग का एग्जाम्पल देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगर विरेचन की औषधि जो है वो दूषित है, अगर तो ऐसी दूषित औषधि दुस्वादु लगेगी रोगी को, रोगी खाएगा नहीं उसको और फिर उसको उचित रूप में वो कार्य नहीं करेगी, उसके अनेक उपद्रव भी उत्पन्न करेगी, और इसे हम अयोग या अतियोग में इसका हम समावेश नहीं कर सकते, इसे हमको मिथ्यायोग ही समझना पड़ेगा। तो ऐसे इन्होंने मिथ्यायोग का एग्जाम्पल देकर इसको अयोग में ही इसका समावेश कर दिया है। तो वैद्यमानी यानी मूर्ख वैद्य से क्या हानि होती है वो हमने यहाँ पे देखा है। तो मूर्ख वैद्य जब भी कोई विरेचन प्रयोग करता है या वमन प्रयोग करता है तो उसका अतियोग या अयोग ज़रूर होता है। तो ये श्लोक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एसएक्यू के लिए आ जाता है, 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। लास्ट का जो वर्ड है दुखम अश्नुते, पहले वाले श्लोक में था सुखम अश्नुते, तो पूरा श्लोक देखे लास्ट में क्या आएगा वो फिल इन द ब्लैंक आ जाता है कई बार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। या धीमान शास्त्रवान पहले वाले इसमें श्लोक में था और इसमें सो अति योगा दो योगा च, ये एक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज, छोटे छोटे श्लोक हैं, अगर आप थोड़ा लर्न कर सकते हैं तो एमसीक्यूज़ में भी आपको इसकी हेल्प हो जाएगी।
तो इसके बाद का भाग आता है संशोधन कर्म विशेष, यानी कि व्यूज ऑन प्यूरिफैक्टरी मेजर्स। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने सम्यक विरिक्त पुरुष के क्या लक्षण है वो बताए हैं। तो एक श्लोक है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस एक्यूज़ में आता है, एल एक्यूज़ में आता है, तो भी आपको श्लोक इंक्लूड करना है। तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे संधि विग्रह करके ही ये श्लोक बोलूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो थोड़ा पॉज करके यहाँ पर रुक रुक के आप संधि विग्रह समझ कर आप इस श्लोक को लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए श्लोक में है, दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि व्याधि नाम अणुता रुचि रुद्वर्ण शुद्धि क्षुत तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि मारुतस्य अनुलोमता सम्यक विरिक्त लिंगानी कायाग्नि च अनुवर्तनम। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर देखिए कि सम्यक विरिक्त पुरुष के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो दुर्बलता होती है, दुर्बलता होनी चाहिए लेकिन वो विरेचन जन्य होनी चाहिए, अति दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। तो विरेचन हो जाने की वजह से जो दुर्बलता आती है वो उसका मतलब ये है यहाँ पर। उसके बाद है लघुता, यानी शरीर में जो हल्कापन होता है वो। उसके बाद आता है ग्लानि, फिर है रोग का कम हो जाना, रुचि बढ़ना, हृदय की शुद्धि होना, वर्ण की शुद्धि होना, भूख प्यास का लगना, मलमूत्र का उचित समय पर हो जाना, और बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि होना, वायु का अनुलोम होना और कायाग्नि का सम रहना। तो ये सारे लक्षण ही हैं इस श्लोक में। संधि विग्रह कर करके अगर आप थोड़ा पीछे जाके पॉज करके सुनेंगे तो संधि विग्रह करके आप याद करेंगे तो आपको श्लोक भी याद हो जाएगा और सारे के सारे लक्षण भी उसी श्लोक में ही आ जाते हैं। तो लक्षण भी आपको याद रह जाएंगे और लिखने में आपको आसानी होगी। इसके बाद अविरिक्त के लक्षण का जो श्लोक है वो बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, तो अविरिक्त यानी जिसमें विरेचन कम हुआ है, अविरिक्त कम मात्रा में जिसमें विरेचन हुआ है उसका उसके ये लक्षण है। तो इसको भी मैं संधि विग्रह करके बोलने की कोशिश करती हूँ, आप देखिए। ष्ठीवनम हृदय अशुद्धि उत्क्लेशः श्लेष्म पित्तयोः आत्मानम अरुचिः छर्दि दौर्बल्यम अलाघवम जंघा उरुसदनम तंद्रा स्थैमित्यम पीनस आगमः लक्षणान अविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रह। तो ये लक्षण देखिए यहाँ पे ष्ठीवन होता है, इसके बाद हृदय का शुद्ध ना होना, क्योंकि कम मात्रा में हुआ है तो अच्छी तरह से हृदय शुद्ध नहीं होता है। कफ और पित्त का उत्क्लेश यानी कि जी मचलना रहता है, आदमान होता है जिसे मफारा कहते हैं, अरुचि हो जाती है, वमन होने लगता है जो कि विरेचन जन्य है। उसके बाद दुर्बल ना होना यानी जो विरेचन के बाद दुर्बलता अपेक्षित है हमको वो ना होना, शरीर का भारी ही रहना, जंघा और उरु में शिथिलता हो जाना, तंद्रा स्तिमितता और पीनस का मनाक से पानी आना ये शुरू हो जाना, और वायु का पेट में ही रुके रहना, ये सब अविरिक्त के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो श्लोक अगर आप संधि विग्रह करके लर्न कर लें तो लक्षण आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। इसके बाद अतिविरिक्त के लक्षण बताए हैं, यानी जिसमें विरेचन का अतियोग हो जाता है, ऐसे पुरुष के लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, संधि विग्रह कर रही हूँ मैं। विट पित्त कफ वाता नाम आगता नाम यथाक्रमम परम स्त्रवति यद रक्तम मेद मांसोद कोपमम निश्लेष्म पित्तम उदकम शोणितम कृष्णमेव वा तृष्यतो मारुत आर्तस्य सो अतियोगः प्रमुह्यतः। तो विरेचन होने के बाद क्रम से यहाँ पे बोला है, विट पित्त कफ वातानाम आगतानाम यथाक्रमम। तो क्रम से मल पित्त और कफ, उसके बाद वायु, इनके आने के बाद अगर मेद मांसोद कोपमम, मेद या मांस के जल के समान अगर रक्त आता है, या फिर कफ और पित्त से शून्य जल निकलता है, यानी ऐसा पानी निकलता है जिसमें कफ और पित्त भी नहीं है, काला खून निकलता है, या प्यास अधिक लगती है, वात रोग से पुरुष हमेशा पीड़ित रहता है और ज्ञान शून्य हो जाता है। तो ये जो लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो ऐसे समझना चाहिए कि ये इसमें विरेचन का अतियोग हो गया है। तो ये सारे एसएक्यूज के लिए आ जाते हैं, दो दो मार्क के लिए आ जाते हैं, चार पांच मार्क्स के लिए आ जाते हैं, जिसमें आपको सम्यक विरिक्त के लक्षण, अविरिक्त के, अतिविरिक्त के लक्षण, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो श्लोक भी बहुत बार एमसीक्यूज में इसके भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा लर्न कर सकें आप तो बेहतर होगा। इसके बाद इन्होंने वमन के अतियोग के लक्षण दिए हैं। तो अब जब हम कहते हैं विरेचन में ही हमने वमन और विरेचन दोनों का समावेश कर लिया है, तो फिर वमन के अतियोग के लक्षण अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तो वो इसलिए होता है कि वो विरेचन हम नीचे के मार्ग से करते हैं, वमन हम ऊपर ऊर्ध्व मार्ग से करते हैं, तो उसमें कुछ एकाध लक्षण अधिक हो जाते हैं, तो उसी का इंक्लूड करने के लिए इन्होंने वमन के अतियोग के लक्षण अलग से बताए हैं। तो देखिए मैं फिर से विग्रह करके यहाँ पर बता रही हूँ।
वमने अतिकृते लिंगान एतान एव भवन्ति ही ऊर्ध्वगा वातरोगाश्च वाक ग्रहश्च अधिको भवेत। तो इसमें इन्होंने बोला है कि वमन के अधिक होने पर उपर्युक्त ही लक्षण होते हैं, लिंगान एतान एव भवन्ति ही, तो यही लक्षण होते हैं, पर अधिक रूप में ऊर्ध्वगतवात ऊर्ध्वगा वातरोगाश्च और वाणी में रुकावट हो जाती है, वाक ग्रह जो लक्षण है ये लक्षण अधिक होता है। तो यही लक्षण है, ऊर्ध्वगत वातरोग अधिक हो जाता है, वाणी में रुकावट हो जाती है और प्यास की अधिकता होना, ये भी एक लक्षण देखा गया है। तो अब इसके बाद आता है चिकित्सा प्रावृत्त चिकित्सक से लाभ क्या है उसका श्लोक। तो देखिए उस श्लोक में क्या है, चिकित्सा प्रावृतम तस्मात् उपेया चरणम नरः युंजाद्य एनम अत्यंतम आयुषा च सुखेन च। तो मतलब सभी चिकित्सा के उपकरणों से युक्त बुद्धिमान या कार्य तत्पर और भली प्रकार आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले वैद्य मनुष्य को अधिक आयु और सुख युक्त बनाते, यानी जो भी रोगी है उसका उसके उसको सुख देते हैं, तो अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकते हैं इसलिए सुख देते हैं। अब इसके बाद आता है संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण, यानी कि अधिक दोष से युक्त पुरुष का लक्षण, यानी किसे संशोधन देना चाहिए, ऐसे पुरुष के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो जिन व्यक्तियों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे तो उनके शरीर में दोष अधिक बढ़ गया है ऐसा समझना है और उन्हें हमें संशोधन देना है। तो कैसे लक्षण है वो, अविपाक यानी कि अन्न का ठीक ना पचना होना चाहिए, ना पचना, भोजन में अरुचि हो जाना, अधिक स्थूलता है जिसमें, फिर शरीर में जिसके पीलापन है, गुरुता है, क्लम है, फुंसियाँ आ जाती है, चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होती है। तो ऐसे जो पुरुष हैं उनमें समझना चाहिए कि ये संशोधन योग्य पुरुष है और इसमें हम संशोधन करा सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए कई बार आ जाता है कि संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण लिखिए, तो ये स्मॉल आंसर क्वेश्चन के लिए आपको ये सारे लक्षण उसमें लिखने हैं। अब इसके बाद संशोधन का फल क्या होता है, संशोधन करने से क्या लाभ होता है वो बताया गया है। ये नोट्स का पेज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए श्लोक में है, एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्नि अभिवर्धते व्याधयश्च उपशाम्यन्ति प्रकृतिश्च अनुवर्तते इंद्रियाणि मनो बुद्धि वर्ण चास्य प्रसीदति बलम पुष्टिर अपत्यम च वृषता चास्य जायते जरा कृच्छ्रेण लभते चिरम जीवाति अनामयः तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेत नरः। तो इसका मतलब है कि उसी इस प्रकार उचित वमन विरेचन से जिसका कोष्ठ शुद्ध हो जाता है तो उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है, उसमें जो भी रोग उत्पन्न हो गए होते हैं वो शांत हो जाते हैं, उसकी प्रकृति ठीक हो जाती है, उसके मन बुद्धि इंद्रिया वर्ण ये सब निर्मल हो जाते हैं, उसके शरीर में बल और पुष्टि आ जाती है, उसे संतान की प्राप्ति होती है, मैथुन शक्ति बढ़ जाती है, बुढ़ाई कठिनता से बुढ़ापा आता है बहुत, जराम कृच्छ्रेण लभते मतलब बुढ़ापा बहुत कठिनता से आता है और बहुत दिनों तक रोग रहित होकर ऐसा मनुष्य जीता है। तो इसलिए समय पर युक्तिपूर्वक संशोधन करने से मनुष्यों में आयु बढ़ जाती है, मनुष्य को कराना चाहिए। अब इसके बाद संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता क्या है वो यहाँ पर बताई गई है। तो जो दोष लंघन पाचन द्वारा जिन्हें हम नष्ट करते हैं वो कभी कभी थोड़े हेतु उन्हें मिल जाते हैं तो उस पर भी वो कुपित हो जाते हैं, लेकिन संशोधन से जो जिन दोषों का हम नाश करते हैं तो उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि वो हम मूल से उसको हम हटा देते हैं। तो इसका एक उदाहरण ये वृक्ष का उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि जैसे हम किसी वृक्ष की अगर डालियाँ पत्ती सब अगर हम काट भी दें लेकिन उसका जड़ अगर वैसे का वैसा ही रहे तो अगर उसे थोड़ा पानी मिल जाता है या उचित ऋतु मिल जाती है, खाद मिल जाती है, तो उस वृक्ष से फिर से नई शाखाएँ आ सकती हैं, पत्तियाँ आ सकती है, फल फूल लग सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम व्याधि को हम लंघन पाचन के द्वारा हम अगर नष्ट कर दे तो भी उसका मूल शरीर में बना ही रहता है, तो अगर उसे देश काल ये सब थोड़े से भी अनुकूल अगर मिल जाते हैं, थोड़ा सा भी अपत्य अगर हो जाता है तो वो रोग फिर से जड़ पकड़ लेते हैं और फिर से वापस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी वृक्ष को हम अगर जड़ समेत उखाड़ दें, निकाल दें, तो चाहे उसे ऋतु उचित ऋतु मिले या कोई और साधन मिले तो भी वो वापस से फल फूल नहीं सकता, उसमें शाखाएं पत्तियां आ नहीं सकती। तो उसी तरह अगर हम किसी रोग का भी अगर हम मूल से ही नष्ट कर दें तो उसको कितना भी अगर उसको अपत्य मिल जाए तो भी वो वापस से शरीर में हमारे पैदा नहीं हो सकता है। तो यही इन्होंने यहाँ पर समझाया है। आपको पता है कि संशोधन और संशमन 2 प्रकार की चिकित्सा होती है,
तो संचमन चिकित्सा जो होती है वो शरीर में ही जो कुपित दोष होती है उनको शरीर में ही शांत कर देती है, यानी औषधियों के द्वारा हम जो कुपित दोष है, प्रकुपित दोष है, उनका हम शमन कर देते हैं, तो वो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन रोग का मूल जो है वो शरीर में ही बना रहता है। तो जब अपने अनुकूल थोड़े से भी कारण उनको मिल जाते हैं तो वो वापस से कुपित हो जाते हैं। लेकिन संशोधन में क्या होता है कि हम कुपित दोषों को शरीर से बाहर ही निकाल देते हैं, तो प्रकुपित दोषों का जो है थोड़ा भी अंश हमारे शरीर में नहीं रहता है, तो इसलिए किसी भी अवस्था में वो पुनः रोग उत्पन्न करने में काबिल नहीं हो सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पर संशोधन चिकित्सा का इन्होंने बताया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि रोग वापस कभी भी जीवन में होगा ही नहीं, किसी और कारण की वजह से वो रोग फिर से हो सकता है, पर उन्हीं कारणों की वजह से नहीं होगा जिन कारणों को हमने संशोधन के द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया है, तो उन्हीं कारणों से वापस नहीं होगा, किसी और अन्य कारण से वो रोग फिर से लेकिन हो सकता है। अब इसके बाद संशोधन से उत्पन्न लंघन में क्या ब्रूहण पथ्य है वो यहाँ पर बताया गया है, ये स्मॉल आंसर क्वेश्चन के लिए आ जाता है। तो लगातार औषध द्वारा जब हम संशोधन करते हैं तो शरीर और बल दोनों ही क्षीण हो जाते हैं, ऐसे में हमें आहार के द्वारा ही ब्रूहण करना उत्तम होता है। तो ऐसे पुरुष को फिर आप घृत, मांस रस, दूध और हृदय बलकारक जो भी यूष यानी कि सूप होते हैं वो मिलाकर आप उसकी आहार योजना आप तैयार कर सकते हैं, डाइट तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रूहण में आप उसको अभ्यंग दे सकते हैं, उपटन लगवा सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं, निरोह बस्ती और अनुवासन बस्ती का सेवन आप करा सकते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में रसायन औषधों से ही हमें पहले ब्रूहण नहीं करा देना चाहिए, जब इन ऊपर के उपायों से आहारों से जब शरीर का उपचय यानी मेटाबॉलिज्म और बल की वृद्धि जब हो जाए तो उसके बाद आप रसायन औषधियों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, वरना वो पचा नहीं पाएगा रसायन औषधों को और बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए पहले से रसायन औषधों का प्रयोग नहीं करना है, पहले आहार द्वारा ही ब्रूहण कराना है, उसके बाद आप रसायन औषधों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका पूर्ण डिटेल विवरण जो है डिस्क्रिप्शन वो आपको सिद्ध स्थान में ही मिलेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर संक्षेप में ये सूत्र स्थान है तो सूत्र रूप में लिखकर सब कुछ इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। जो कोई भी रिलेवेंट टॉपिक्स है वो उस स्थान में अलग अलग अध्यायों में डिटेल में आए हैं, तो इसके बारे में डिटेल में आपको सिद्ध स्थान में मिल जाएगा। अब इसके बाद संशोधन के अतियोग हो जाने पे क्या चिकित्सा करनी है वो बताया है। तो जो भी कोई उपद्रव हो तो उस उपद्रव के अनुसार द्रव्यों से सिद्ध जो कोई घृत बताया गया है उस घृत का पान कराना है आपने रोगी को। उसके बाद मधुर द्रव्यों से सिद्ध तेल के द्वारा आप अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। अतियोग में जो शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है, धातुएं अधिक क्षीण हो जाती है, तो इसलिए ऐसे में ब्रूहण नहीं कराना चाहिए फिर अगर अतियोग हो गया हो तो, क्योंकि दुर्बल अग्नि फिर उसको ठीक से पचा नहीं सकेगी, पाचन ठीक नहीं होगा। इसलिए ब्रूहण द्रव्यों में घृत ही सबसे उत्तम है क्योंकि वो संस्कार से सभी दोषों को दूर कर सकता है, दूर करने वाला होता है। तो ऐसे में इसलिए सिर्फ घृतपान बताया है और आप तेल मर्दन कर सकते हैं। ये डाउट एक वर्ड यहाँ पर आ गया है, एक्चुअली मुझे यहाँ पर डाउट नहीं, मुझे यहाँ पर डबल लिखना था कि ये घृतपान और तेलमर्दन इससे डबल फायदे आपको हो जाते हैं कि इससे बल की वृद्धि भी हो जाती है और अग्नि की तीक्ष्णता दोनों ही एक साथ हो जाता है। तो अग्नि एक बार जब तीव्र हो जाती है तो उसके बाद पथ्य आहार का जो कोई भी पहले इसके पहले बताया गया है वो सेवन करना उचित रहता है। तो ये चिकित्सा यहाँ पर बताई गई है कि अगर संशोधन का अतियोग हो जाता है तो आपने ये सब करना है। अब इसके बाद संशोधन का अगर अयोग हो जाए तो आपको क्या करना है, यानी हीन योग हो गया या अयोग हो गया तो आपको क्या करना है। तो अयोग होने पर मात्रा, काल या पुरुष के बल के अनुसार पहले कैसा संशोधन सेवन कराया गया था, पहले सेवन किए गए संशोधन की मात्रा आदि का स्मरण करके फिर से स्नेहन करके फिर पुनः संशोधन कराना है आपको। तो पहले किस मात्रा में आपने दिया था, रोगी का बल कैसा था, किस काल में आपने दिया था, उस सबको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, आपको नोट डाउन करके रखना है और उसी हिसाब से आपको फिर से एक बार स्नेहन करा के फिर संशोधन आपको पुनः कराना है उसका। तो मात्रा, प्रभाव, रोगी का बल आदि के अनुसार ऐसा औषध आपको पिलाना है जिससे कि फिर से उसको ये सब उपद्रव ना हो। और स्नेहन आदि कर्म में उपद्रवों की चिकित्सा जो है इसका विवरण भी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में आपको पूरा सिद्ध स्थान में ही मिल जाएगा। तो अयोग होने पर आपको इस तरह से चिकित्सा करनी है। अब इसके बाद स्वभाव परमवाद यानी थियोरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें समझने के लिए थोड़ी सिंपल है, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लग सकती है नहीं, आप थोड़ा नोट्स को ध्यान से अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको सिंपल टर्म्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर उपरम का सिंपल मीनिंग होता है विनाश, ये आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि उपरम मतलब होता है विनाश। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जिन कारणों से या हेतुओं से धातुओं की पुष्टि होती है, उनका वर्धन होता है, तो उन कारणों में विषमता आ जाने से धातुओं में विषमता आ जाती है,
और कारणों में समता होगी तो धातुओं में भी समता बनी रहेगी। तो जिन जिन किसी कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है उनमें विषमता आती है तो धातुओं में विषमता आती है, उन कारणों में समता आती है तो धातुओं में समता आती है। ये सिंपल, ये इतना याद रख लीजिए। और इन धातुओं का उपरम यानी कि विनाश जो है वो स्वभाव से ही होता है, ये इनका कहना है। तो स्वभाव उपरम मतलब बिना कारण के नाश होना, बिना किसी भी कारण के नाश होना। जहाँ कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होता वहाँ स्वभाव यानी कि प्रकृति ही कारण बन जाता है। अब जैसे हम एग्जांपल्स ले लें कि जो दांतों का हमारा एक बार टूटकर पुनः उत्पन्न होना होता है, या हमारे हाथ पैरों के पैरों में के तलुओं में जो है वहाँ बाल नहीं होते, रोम नहीं होते, वहाँ पे उत्पत्ति होती ही नहीं है, तो इनका कोई हम कारण नहीं बता सकते। इन क्रियाकलापों का स्वभाव ही कारण है, ये स्वभाव से ही होता है। तो इसी स्वभाव परमवाद को जो है बौद्धों के मत का उपजीव्य कहा है, यानी बौद्धों का जो मत है, उनका जो मानना है, उसका यही आश्रय है। तो ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो आगे का सब समझने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यही यहाँ पर बताया है कि बिना किसी कारण के नाश होना, उसी को स्वभाव परम कहते हैं। अब आहार रस से धातुओं का पोषण होता है, और इसमें भी जो आहार जिस प्रकृति का होता है वो अपने गुणों वाले धातुओं का ही विशेष रूप से पोषण करता है और विपरीत गुण वाले धातुओं का ह्रास करता है। तो ये श्लोक भी आपने देखा हुआ है, वृद्धि समाने ही सर्वेशां विपरीतैर विपर्ययः। तो यानी जिस धातु के सम रस उस धातु को बढ़ाता है और उसका विपरीत आहार रस उस धातु को घटाता है। तो जिस पुरुष में जिस धातु की हीनता होती है उसे उसी गुण विशिष्ट आहार देने को कहा गया है, और आहार में अगर विषमता होगी तो धातुओं में विषमता आ जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं सर्व रसाभ्यास पथ्यानाम, यानी सारे रसों का अभ्यास पथ्य माना गया है, जिससे सारी धातुएँ हमारी जो है वो सम रह सके। अब इस स्वभाव परमवाद की चरितार्थता यानी कि इसकी सार्थकता क्या है, इसकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, वो देखते हैं। तो हमारे धातुओं का विनाश जो है वो प्रतिक्षण होता रहता है, इसलिए उसकी हमें प्रतीति नहीं होती, उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्रतिक्षण होता है, हर क्षण होता रहता है। और इसी धातुओं की पूर्ति के लिए हमारा आहार क्रम जो है वो सुनिर्धारित है, हमें आहार लेना पड़ता है। अगर आप किसी दिन उपवास करें तो इसकी प्रतीति आपको आएगी, आपको चक्कर आने लगेगा, आपको थकान लगने लगेगी। तो मतलब आपके धातुओं का ह्रास होता है जिस दिन अगर आप कड़क उपवास करते हैं तो। तो इसका यही मतलब है कि प्रतिक्षण हमारे धातुओं का विनाश होता रहता है, और इसी के लिए हमारा आहार क्रम जो है वो बनाया गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो भी इसी के समान मिलता जुलता है कि शरीर में जो धातुओं का निर्माण और विनाश है वो अबाध गति से चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और निर्माण क्रिया जो है वो मनुष्य का आहार विहार उसमें कारण है, लेकिन विनाश में जो है वो स्वभाव ही कारण होती है, प्रकृति ही कारण होती है। निर्माण क्रिया जिसे हम वैर मतलब निर्माण और विनाश जिसे हम वेर एंड टेयर फिनोमिनन कह सकते हैं, तो वेर फिनोमिनन में तो आहार वगैरह जो है वही कारण है, लेकिन टेयर फिनोमिनन में नेचुरल कारण होता है, स्वभाव प्रकृति ही कारण होता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो स्वभाव परमवाद के साथ मिलता जुलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए इसमें अन्य आचार्यों का क्या मत है। तो कुछ आचार्य मानते हैं कि धातुओं की उत्पत्ति में भावों का यानी पदार्थों की प्रवृत्ति जो है वही कारण है और विनाश में कोई कारण नहीं है। और कुछ अन्य आचार्य ये मानते हैं कि कारण का ना होना भी एक कारण ही है जो कि विनाश में कारण है। तो कुछ आचार्यों के हिसाब से उत्पत्ति में भावों की यानी पदार्थों की प्रवृत्ति कारण होती है और विनाश में कोई कारण नहीं होता। और कुछ अन्य आचार्य मानते हैं कि कुछ कोई कारण का ना होना भी एक कारण है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि मधुर अम्ल लवण रस क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्योंकि ये कफ की वृद्धि करते हैं, तो इसलिए ये वात का शमन करते हैं। तो कफ की वृद्धि हो जाती है और उसी वजह से वात का शमन हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति में जो कारण होता है, किसी चीज़ की उत्पत्ति में जो कारण होता है वही दूसरी चीज़ के विनाश में भी कारण होता है। तो यहाँ पे कफ की उत्पत्ति हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इसलिए वात का विनाश हो रहा है। तो किसी एक चीज़ की उत्पत्ति में जो कारण है वो दूसरी चीज़ के विनाश में भी वही कारण है। तो यही यहाँ पर स्वभाव परमवाद की चरितार्थता यहाँ पर बताई गई है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है वो देखते हैं। तो दार्शनिक आचार्यों का मानना है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। तो ये उनका बेसिक सिद्धांत है, दार्शनिक दृष्टिकोण है कि असत वस्तु का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं होता है और सत वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता है। तो ये पांच भौतिक की सृष्टि जो है वो उत्पत्ति विनाश में ही है, ऐसा वो मानते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है तो इसका विनाश होना ही है, इसलिए उत्पत्ति में तो कारण की आवश्यकता होती है लेकिन विनाश तो स्वयं सिद्ध ही है, वो तो होना ही है। अब जैसे गेहूं के पौधे की उत्पत्ति में क्या कारण होता है, गेहूं का बीज ही उसका कारण होता है। और फसल पकने के
बाद या उसके सूखने में विनाश में क्या कारण है, वो तो स्वभाव ही कारण है, वो तो उस गेहूं के पौधे की प्रकृति ही है, वही उसका कारण है कि वो बीज उसको पैदा करता है और पकने के बाद उसका अपने आप ही विनाश हो जाता है। अब इसके ऊपर अग्निवेश का ये प्रश्न है कि अगर स्वभाव से ही दोषों का विनाश होता है तो चिकित्सा प्राकृत वैद्य की आवश्यकता ही क्या है, तो फिर चिकित्सक औषधियों में कौन से विषम धातुओं को सम करता है, अगर सब कुछ अपने आप ही होना है विनाश, अगर अपने आप ही होना है तो धातुओं का विनाश, दोषों का विनाश भी अपने आप ही होना चाहिए, तो फिर चिकित्सा किसे कहते हैं और उसका क्या उपयोग है। तो चिकित्सा करना कराना तो निरर्थक हो जाएगा, कुछ उपयोग ही नहीं है उसका, क्योंकि रोग की उत्पत्ति में तो कारण होगा लेकिन उसका विनाश तो अपने आप ही कभी ना कभी हो ही जाएगा, तो चिकित्सा से क्या लाभ है, यही अग्निवेश का प्रश्न है। तो इस पर देखिए आत्रेय ने क्या उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे निरंतर गतिशील काल के विनाश का कारण नहीं जाना जा सकता, वैसे ही भावों के यानी उत्पन्न पदार्थों के विनाश कारण अभाव से उस विनाश का कोई कारण नहीं मालूम होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि निरंतर गतिशील काल, काल जो है हमेशा निरंतर गतिशील है, हमेशा चलता रहता है, तो उसके विनाश का कारण हमें नहीं पता हो सकता है, हम उसके विनाश का कारण नहीं जान सकते हैं, वैसे ही उत्पन्न पदार्थों के विनाश कारण अभाव से जो भी उत्पन्न पदार्थ हैं उनके विनाश कारण का अभाव है, वो कारण हमें पता नहीं है, इसलिए उसके विनाश का कोई कारण हमें मालूम नहीं चलता है। अभी काल के शीघ्र गतिमान होने के कारण बीते हुए समय को हम भूत कहते हैं, विनष्ट कहते हैं, उसी प्रकार उत्पन्न वस्तु जो कोई भी वस्तु है वो भी नित्य विनाशशील ही है, इसलिए वो नष्ट हो जाती है, वो हर पल हर क्षण वो प्रतिक्षण उसका नाश होता ही रहता है, इसलिए उसके विनाश में कोई कारण नहीं है और ना ही उसे बदला जा सकता है। और यहाँ पर काल से इनका मतलब है नित्य काल, क्योंकि नित्य काल का जो विनाश है वो अंशांश होता है, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा ऐसे वो बीतता जाता है, तो अंशांश रूप में वो दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन ऑल इन ऑल दिन बीत गया, रात गुजर गई, इस रूप में तो वो हमें दिखाई देता है ना। तो अगर हर सेकंड बीतता हुआ हमें ना दिखाई दे, लेकिन हर मिनट बीतता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन पूरा दिन बीत गया है, पूरी रात गुजर गई है, ये तो हमें दिखाई देता है, इसे ही फिर हम भूत काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। दिन बीतता जाता है पर निमेश, मुहूर्त, सेकंड, ये छोटे छोटे जो काल के विभाग है ये सब कैसे नष्ट होते हैं, इनका हमें कोई ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि काल जो है वो शीघ्र गतिमान है, बहुत फास्ट उसकी गति है, बहुत गतिशील है, तो इसलिए उसका जो विनाश होता है, प्रतिक्षण विनाश होता है, वो हमें पता नहीं चल पाता है। भूतकाल की उत्पत्ति तो हर पल हर क्षण प्रतिक्षण होती ही रहती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। तो इसी तरह धातुओं का या उत्पन्न होने वाली किसी भी वस्तुओं का विनाश जो है वो इतनी जल्दी होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता। तो यही यहाँ पर एक जो किताब में जो पिक्चर है वो उसी को मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक अध्यापक अगर कक्षा में बैठकर छात्रों को पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाले छात्र अगर संख्या में 100 है तो जो शब्द अध्यापक उच्चारण करते हैं वो शब्द हर छात्र के कान में एक ही साथ सुनाई देता है, लेकिन ये बुद्धिगम्य नहीं है, क्योंकि मुँह से निकला हुआ शब्द पहले जो पास में बैठा हुआ छात्र है उसके कान में पहले जाएगा और बाद में दूर बैठे हुए छात्र के कान में पहुँचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक साथ ही सबको सुनाई देता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि शब्द जो है वो अत्यंत शीघ्र गमन करता है, इतना फास्ट जाता है कि वो किसी को परिलक्षित ही नहीं होता, किसी को दिखाई नहीं देता, और इसी प्रकार भावों का नाश जो है वो शीघ्र ही होता है और उसका ज्ञान नहीं हो पाता हमें, वो नाश होता रहता है पर हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो अब इसलिए आचार्य ने यहाँ पे चिकित्सा का लक्ष्य बताया है कि विषम दोषों को सम करना और सम धातु जो है हमारे शरीर में उनका परिपालन करना, उनको वैसे ही मेंटेन रखना, ना कि इस बात की प्रतीक्षा करना कि रोग कभी तो ठीक ही हो जाएगा, तो उसकी चिकित्सा करके क्या करना है हमें, वो उसका विनाश अगर स्वयं सिद्ध है तो वो कभी ना कभी विनाश उसका हो ही जाएगा, तो हम उसकी चिकित्सा क्यों करें, ये हमें नहीं सोचना है, इस बात की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्रों में भी कहा गया है कि रोग, अग्नि और शत्रु इनका विनाश अगर हम तुरंत ना कर दें तो ज़्यादा देर करने पर ये बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं, बहुत सीवियर हो जाते हैं, इसलिए चिकित्सा प्राकृत वैद्य की आवश्यकता तो हमेशा ही थी और रहेगी। चिकित्सा प्राकृत वैद्य को चाहिए कि वो स्वस्थ वृत्त का उपदेश करे, दोषों के विषम होते ही उनको शमन करने की कोशिश करे और निरोग हो जाने पर रोगी को रसायन का सेवन भी कराए और उसे बुढ़ापे से व्याधि से मुक्त रखे। तो इसलिए चिकित्सा प्राकृत वैद्य की आवश्यकता ज़रूर है। तो अग्निवेश के प्रश्न का आत्रेय ने इस तरह से उत्तर दिया है।
आप यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, चिकित्सा की परिभाषा और वैद्यों का कर्तव्य, चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो ये एक दो श्लोक हैं, ये आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके होंगे। या भी क्रिया भी जयंते शरीरे धातवः समः सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद् भीषजाम स्मृतम। तो जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएँ सम हो जाती है उसी को ही रोगों की चिकित्सा कहा जाता है। धातुओं को सम करना ही वैद्यों का कर्तव्य है। जब धातुएँ सम रहेंगी इसका मतलब है कि वृद्ध दोष, जो बढ़े हुए दोष है वो क्षीण हो जाएंगे और जो कम दोष है वो बढ़ जाएंगे, क्षीण दोष जो है वो वृद्ध हो जाएंगे। तो जब दोष धातु अपनी मात्रा से अधिक या कम होते हैं तभी रोग उत्पन्न करते हैं। जब वो अपनी अपनी मात्रा में ठीक रहते हैं तब वो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, और जब वो कम ज़्यादा हो जाए शरीर में तो उसी को ही अपने सम परिमाण में लाना ही रोगों की चिकित्सा कहलाती है। तो चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्रथम शरीर धातूनाम वैषम्य न भवेदिति समानाम चानुबंध साद इत्यर्थम क्रियते क्रिया। इसका मतलब है कि चिकित्सा इसीलिए की जाती है कि शरीर में धातुओं की कभी विषमता उत्पन्न ना हो और सम धातुओं का शरीर से हमेशा संबंध बना रहे, नित्यानुबंध बना रहे। तो इसलिए हम चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा करनी चाहिए, ये चिकित्सा का उद्देश्य है। अब इसके बाद धातु साम्य प्राप्ति का साधन क्या है, यानी क्या करने से धातु की समानता बनी रहेगी, साम्यता बनी रहेगी, वो यहाँ पे बताया है। तो एक छोटा सा श्लोक है वो भी देखिए। त्यागाद विषम हेतुनाम समानाम च उपसेवनाद विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः। तो धातुओं के विषम होने के जो भी कारण है उन्हें हमें छोड़ देना है और धातुओं के सम होने के जो कारण है उन्हें हमें अपनाना है, उनका सेवन करना है। तो ऐसा करने से जो हमारे शरीर में धातु विषम हो गए हैं उनकी परंपरा, उनकी श्रृंखला, उनका जो एक ट्रेडिशन बन गया है, उनका एक पैटर्न बन गया है, वो नष्ट हो जाएगा और धातुएं हमारी सम हो जाएंगी। तो विषम हेतु किसे कहा गया है? असात में इंद्रियार्थ संयोग जो है, यानी इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ में उचित संयोग न होना, इनका अयोग होना या अति योग या मिथ्या योग होना, और प्रज्ञापराध परिणाम, ये हमने चरक सूत्र सान अध्याय 11 में ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन डिटेल में हमने देखा हुआ है। तो ये सब विषम हेतु, इनका हमें त्याग करना है। साथ में इंद्रियार्थों का सेवन करना है, यानी कि इंद्रियों को उनके उचित अर्थों के साथ हमको सेवन करना है, इससे हमारी धातुएं जो है वो सम बनी रहती है। यहाँ पे सम का मतलब समान मात्रा नहीं होता है, सम का मतलब है कि जिस धातु की हमारे शरीर में जितनी मात्रा में आवश्यकता है उसका उतना ही होना। अगर सारे धातुएं समान ही एक जैसी ही हो जाए तो लोग लंबे नाटे मोटे पतले कैसे होंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो इसका सम का मतलब इक्वल नहीं होता है, समान मात्रा में नहीं होता है। सम मतलब जिस धातु की जितनी ज़रूरत है वो धातु हमारे शरीर में उतनी ही मात्रा में होना, ना कि उससे कम होना ना कि उससे ज़्यादा होना। अब इसके बाद चिकित्सा प्रावृत वैद्य से क्या लाभ है, चिकित्सा प्रावृत वैद्य का महत्व क्या है वो बताया गया है। तो चिकित्सा प्रावृत वैद्य जो है वो शरीर धातु को सम बनाता है, इसलिए हमें सुख और आयु देने वाला होता है, हमारे देह को शरीर को सुख और आयु देने वाला होता है। इसलिए इस लोक में वो धर्म अर्थ काम और मरने के बाद हमें स्वर्ग या मोक्ष देने वाला होता है। और शरीर हमारा सुखी रहेगा और आयु हमारी अच्छी रहेगी तभी हम धर्म अर्थ और काम कर सकेंगे, और ऐसे कार्य करने से इस लोक में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और मरने पर हमें स्वर्ग या मोक्ष की उचित जो भी है वो प्राप्ति होगी। तो इसलिए चिकित्सा प्रावृत वैद्य का महत्व बताया गया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, किस बताए हैं मैंने कि किस टॉपिक्स पे इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और साथ ही में इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो चिकित्सा प्रावृत वैद्य के क्या गुण हैं, मूर्ख वैद्य के दोष क्या है, संशोधन संबंधी जो भी सम्यक योग, अयोग और अतियोग के क्या लक्षण हैं वो इसमें हमने देखे हैं। बहुत दोष वाले पुरुष, यानी कौन से पुरुष का संशोधन कराना चाहिए, संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण वो हमने यहाँ पे देखा है। संशोधन के गुण क्या है, संशोधन की सिद्धि क्या है, उसकी व्यापत्ति क्या है, यानी अयोग और अतियोग हो जाने पर उसका चिकित्सा सूत्र किस तरह का है वो हमने देखा है। चिकित्सा की युक्ति क्या है वो हमने देखी है, और चिकित्सा प्रावृत वैद्य के कर्तव्य क्या है वो भी हमने यहाँ पे देखे। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन स्मॉल आंसर क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं, और संशोधन के गुण जो है या संशोधन संबंधी सम्यक योग, अयोग, अतियोग, इनके जो लक्षण हैं, संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण हैं, ये सब आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है। तो इसी के साथ में यहाँ पे कल्पना चतुष्कुज जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नोट्स आपके किसी काम में आए होंगे और ये चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स में इन वीडियोस के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी लाभ पहुँचे। और आपका लाइक जो है वो अल्गोरिथम में मेरे चैनल को ऊपर डिटेक्ट करने में बहुत मेरी मदद करता है। अभी तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सब आप ही की वजह से है। तो
तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले अध्याय में, जो है चरक सूत्र स्थान का 17वां अध्याय, हम देखेंगे कि अंतशीर्षी अध्याय, और मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।